और आप ध्यान से देखते रहेगा कैमरे में। अगर आपके सामने मल्टीपल कार्स हैं तो भी इसको ये चेक कर रहा है। अभी मैं अपनी लेन से बाहर जाऊंगा और ये देखिए इसने बोला लेन डिपार्चर। पहले मैं दिखाऊंगा इसका डे फुटेज और इसके बाद मैं दिखाऊंगा नाइट फुटेज। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। कुछ दिन पहले मैंने एक पोर्टेबल कार मल्टीमीडिया प्लेयर का रिव्यू किया था जो कि अभी भी मेरी होंडा अमेज में इंस्टॉल्ड है एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट प्रोडक्ट। ये जो पोर्टेबल कार मल्टीमीडिया प्लेयर्स होते हैं ना, दीज आर मेनली फॉर ओल्डर जनरेशन कार्स। द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज मल्टीमीडिया प्लेयर इज दैट कि इसमें फीचर्स बहुत ढेर सारे होते हैं और इसको इंस्टॉल करना उतना ही आसान होता है। लेकिन आप में से कई व्यूअर्स का ये पूछना था कि क्या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जिसकी प्राइसिंग कंपैरेटिवली कम हो। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइसिंग तो कंपैरेटिवली कम है बट फीचर्स में वो किसी भी प्रोडक्ट से कम नहीं है। सो गाइस, हमारा जो पोर्टेबल मल्टीमीडिया प्लेयर है वो इस बॉक्स में आया है और मुझे पड़ा है ये अप्रोक्सीमेटली 9500 रुपीज का। गाइस, इस बॉक्स को देख के आपको लग रहा होगा कि जो पुराना वाला पोर्टेबल कार मल्टीमीडिया प्लेयर था वो भी एकदम सेम बॉक्स में था। नो डाउट द बॉक्स इज सेम बट जो अंदर प्रोडक्ट है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। इसमें दो ऐसे फीचर्स हैं जिसको देखने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। द फर्स्ट फीचर इज लेन डिपार्चर वार्निंग एंड द सेकेंड फीचर इज सेफ डिस्टेंस वार्निंग। ये दोनों जो फीचर्स हैं ये कैसे काम करेंगे ये देखना बहुत ही मज़ेदार रहेगा। और साथ में इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है, वायरलेस एप्पल कारप्ले है, डीवीआर फंक्शन है, 4K फ्रंट का है, 1080p रियर का है, ब्लूटूथ फंक्शन है, कॉलिजन वार्निंग है एंड देयर आर अ टन ऑफ फीचर्स इन दिस डिवाइस। सबसे पहले हम करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। सो लेट्स ओपन द बॉक्स एंड हैव अ लुक व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। ये हमें मिलता है यूज़र मैनुअल, 10.26 इंचेस स्मार्ट प्लेयर, 4K, वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। दिस इज द स्क्रीन इटसेल्फ। लेट्स हैव अ लुक व्हाट एक्सेसरीज डू वी गेट। यहाँ पर हमें मिलता है एक ऑक्स केबल, सिगरेट लाइटर चार्जर, रियर कैमरा और साथ में हमें ये मिलता है बेस प्लेट। इस बेस प्लेट पे ही ये जो स्क्रीन है ये इंस्टॉल होगी। सो गाइस, चलिए अब इस कार मल्टीमीडिया प्लेयर को देख लेते हैं। ये है इसकी स्क्रीन और ऊपर की ओर दे रखा है बटन ऑन एंड ऑफ का, पीछे की ओर लगा हुआ है 4K कैमरा और ये जो कैमरा है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है। अब अगर मैं इसको होंडा अमेज में लगाऊंगा तो जो कैमरे का व्यूइंग एंगल है वो बेटर रहेगा और साथ ही में ये जो कैमरा है ये एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, विच इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पर दे रखा है एक USB पोर्ट, इस पोर्ट से आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं और साथ ही में वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो भी चला सकते हैं। यहाँ पर लगेगा ऑक्सिलरी केबल और दूसरे साइड दे रखा है इसको पावर देने का ऑप्शन, USB-C से इसको पावर दिया जाएगा। यहाँ पर है रियर कैमरे को इंस्टॉल करने का ऑप्शन और यहाँ पर हम SD कार्ड लगाएंगे और इस वाले से GPS मॉड्यूल इंस्टॉल होगा। GPS मॉड्यूल बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड आई रियली लाइक इट। लेट्स रिमूव द प्रोटेक्टिव फिल्म एंड इट इज़ लुकिंग सुपर नाइस। अब चलिए इसके बेस प्लेट को लगाते हैं। ये इसका बेस प्लेट है, यहाँ से ढीला होता है और व्यूइंग एंगल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो चार प्लास्टिक के पार्ट्स हैं इनको हमें अपने इस मल्टीमीडिया प्लेयर के यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल करना होगा। हैव अ लुक। और फिर हमें इसको अप कैमरे की ओर प्रेस करना होगा इस तरीके से और यहाँ पर जैसे ही ये ढंग से प्रेस हो जाएगा तो एक खट से आवाज़ आएगी एंड योर मल्टीमीडिया प्लेयर बेस इज़ रेडी। सो गाइज़, जो बेस प्लेट है वो परफेक्टली इंस्टॉल हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं और जिस तरीके से ये अटैच्ड है ये काफ़ी सिक्योर्ड फील कर रहा है। जो इसका प्लेट है ये मेटल फिनिश का है और इसी पे हमारा डबल साइडेड टेप भी लगेगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिक्योर्ड वे ऑफ इंस्टॉलिंग दिस डिवाइस। सबसे पहले हम इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, ऊपर से मैंने बटन दबाया वेलकम और ये आ चुका है वेलकम टू बूट। और वेलकम टू बूट में हमने टैप किया, इसमें किया हमने इंग्लिश, नेक्स्ट, प्लस 5.5 घंटे है ना तो +5 पे मैंने कर दिया नेक्स्ट। यहाँ पर करंट टाइम और डेट डालने को आ रहा है। ओके, द गाइडेंस इज़ कंप्लीट, वेलकम टू यूज़। अब ये देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे इसका एप्पल कारप्ले। यहाँ पर हम इस पहले एप्पल कारप्ले को टैप कर देते हैं, ब्लूटूथ में जाएंगे QCKJ, ये देखिए यहाँ पर आ गया है QCKJ। हमने इसे टैप किया और यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। use CarPlay, yes. And guys, as you can see, हमारा wireless Apple CarPlay connect हो चुका है and it is working perfectly. अब हम इसका wireless Android Auto connect करके देखेंगे. Wireless Android Auto को मैंने tap किया, यहाँ पर मैं settings में गया, Bluetooth on किया, available devices में QCKG0583 आया. It says pairing, allow access, pair. एंड गाइज हमारा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो चुका है. थोड़ा सा मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ. ये मैं आ गया ऑल ऐप पे, ये आ गया एप्पल कारप्ले पे. आप देख सकते होंगे कि जिस तरीके से मैं टैप कर रहा हूँ, हल्का सा टैप कर रहा हूँ और इसका जो टच रिस्पॉन्स है ये बहुत ही परफेक्ट है. मैं आ गया वापस यूट्यूब म्यूज़िक, इसको मैंने टैप किया, सुपर मिक्स. सो ये हो गया इसका वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो. अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए कि जो लास्ट कनेक्टेड डिवाइस है उसको बार बार हमें सेटिंग्स में जाके कनेक्ट दबाना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा. सो इस समय हमारा एंड्रॉयड ऑटो काम कर रहा है. मैं पावर डिस्कनेक्ट करूँगा फ्रॉम द कार मल्टीमीडिया प्लेयर ताकि ये कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाए. ये देखिए ये बंद हो गया है. अभी भी इन यूज़ लिखा है, इसको भी मैं वेट करूँगा कि ये कम्प्लीटली ऑफ हो जाए. देखिए अब ये रिमूव हो गया है. नाउ इट इज़ नॉट कनेक्टेड. अब मान लीजिए कि आप वापस गाड़ी में आते हैं और आप कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस को. वेलकम, बहुत ही जल्दी ये काम कर रहा है. द डिस्प्ले स्क्रीन इज़ ऑन एंड हैव अ लुक गाइज, हमारा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो बिना कुछ किए एक्टिवेट हो गया है. सो बार बार आपको सेटिंग्स पे जाके टैप करने की ज़रूरत नहीं है. जो आपका लास्ट पेयर डिवाइस होगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा. इसकी जो डैश कैम फंक्शनैलिटी है ये मैं गाड़ी में बैठूंगा तभी आपको दिखाऊंगा. और FM के जो फीचर्स हैं, फाइल्स में आप देख सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी ने रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं उनको आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे. अब हम चले जाते हैं सेटिंग्स में. सेटिंग्स में देखिए ढेर सारे सेटिंग के ऑप्शंस हैं. पहला है सिस्टम सेटिंग, इसको हम अंदर जाते हैं. इसमें आप ADAS को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. ADAS इज़ द फीचर जो मैं देखना चाहता हूँ. प्रोजेक्शन मोड में आप स्प्लिट या फुल स्क्रीन कर सकते हैं. सपोज़ कि आपको फुल स्क्रीन चाहिए, मैंने इसको येस किया एंड देखिए कितनी जल्दी बूट हो रहा है. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द बूट टाइम. और ये देखिए फुल स्क्रीन ऑन हो चुकी है. यहाँ हम सेटिंग्स में गए, सिस्टम में थे हम. स्क्रीन स्लीप को आप डिसाइड कर सकते हैं कि 10 सेकंड में या 30 सेकंड या 60 सेकंड में ये अपने आप डिस्प्ले ऑफ हो जाए. स्टोरेज स्टेटस दिखा रहा है. लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. टाइम सेटिंग एंड ड्राइविंग हैबिट सिलेक्शन. इसके बाद हम वीडियो सेटिंग्स में आ जाएंगे जहाँ पे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो फ्रंट कैमरा है ये 4K में वीडियो रिकॉर्ड करे या फिर 2K में. वीडियो ड्यूरेशन भी आप डिसाइड कर सकते हैं 120 सेकेंड, 300 सेकेंड और 60 सेकेंड्स में. आपको क्या फ़ाइल फॉर्मेट चाहिए आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं. कॉल्यूजन सेंसिटिविटी को आप हाई, मीडियम या लो रख सकते हैं. आई थिंक लो इज़ द बेस्ट फॉर इंडियन रोड्स. प्रीव्यू मिरर को आप अपने जो रियर कैमरा है अगर आप उसको उल्टा लगाते हैं तो फिर प्रीव्यू मिरर को ऑन करना होगा. और साउंड रिकॉर्डिंग भी आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. जो गाड़ी में बैठे हुए आपकी बातें हो रही हैं उसकी साउंड की बात हो रही है यहाँ पर. नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राइटनेस का, जिसमें कि 3 ऑप्शन है. डे, नाइट, ऑटो का. अगर आप ऑटो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा. डे रखते हैं देन द ब्राइटनेस विल बी ऑन अ हायर साइड. एंड वन स्मार्ट फीचर ऑफ दिस डिवाइस इज़ दैट कि अगर आप मान लीजिए ब्राइटनेस को अप एंड लो करना चाहते हैं, मान लीजिए कैमरे पे हैं तो ये देखिए आपने इसको टैप किया, इसको आप इसको स्लाइड कर रहे हैं एंड जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस तेज़ और कम हो जा रही है. एंड आई रियली फील दैट इट इज़ अ वेरी स्मार्ट फीचर. अगला है ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल. की साउंड मैं इसको जनरली ऑफ रखना चाहता हूं और स्विचिंग साउंड ऑन एंड ऑफ. अगला ऑप्शन है वाईफाई इन्फॉर्मेशन का, जहां पे कि आपको वाईफाई इन्फॉर्मेशन दे रखा है. फॉर्मेट, रीस्टोर फैक्ट्री एंड अबाउट. सो ये हो गया ऊपर से सेटिंग्स जो कि हमें इस कार मल्टीमीडिया प्लेयर में मिलता है. और अब हम इसको गाड़ी में लगाएंगे और इसको प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे और इसका रियर कैमरा भी देखेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें इसके ADAS फंक्शंस को चेकआउट करना है. अब मैं आ चुका हूं अपनी महिंद्रा थार में इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए. और आप सोच रहे होंगे कि महिंद्रा थार में ऑलरेडी एक कार इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो व्हाई एम आई इंस्टॉलिंग दिस डिवाइस. बेसिकली दिस डिवाइस हैज़ बीन बॉट बाय मी फॉर समबडी एल्स. और ये मैं यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता था कि ये कैसा एक्चुअली लगेगा। इंस्टॉलिंग दिस डिवाइस इज सुपर इजी। आपको सिगरेट लाइटर चार्जर को लेना है, इसका USB-C यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से, और फिर सिगरेट लाइटर पोर्ट में इस पावर आउटलेट को हम इंस्टॉल कर देंगे। और जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे, देखिए वेलकम लिख के आ गया है। इसको डैशबोर्ड पे इंस्टॉल करने के लिए ये वाला डबल साइडेड टेप यूज़ होगा। मैंने अभी दो यहाँ पर ऐसे चिपका रखा है, इसको हम रिमूव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर हम इसको प्रॉपर्ली सेट कर देंगे। जब हम सेट कर रहे होंगे तो अगर आप फ्रंट कैमरा ऑन कर रहे होंगे तो आपको इसका एंगल का आइडिया लग जाएगा इस तरीके से, और फिर हम फ्रंट कैमरे को इस तरीके से प्रॉपर्ली एडजस्ट कर देंगे और हमारा स्क्रीन इंस्टॉल हो चुका है। अगर इस डिवाइस से हम गाड़ी के स्पीकर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, पहला है ऑक्स कनेक्टिविटी का और दूसरा है FM कनेक्टिविटी का। लेट मी शो यू। सो गाड़ी के ऑक्स में हमने कनेक्ट किया और यहाँ पर हमारा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो ऑलरेडी कनेक्टेड है, और यहाँ पर देखिए मैंने प्ले दबाया और जो म्यूजिक है वो गाड़ी के स्पीकर से आने लगी है। FM के थ्रू भी हम गाड़ी के स्पीकर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम FM में जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने 96 कर दिया है, स्पीकर्स को ऑफ किया जाएगा, FM को ऑन करेंगे और यहाँ पर हम 96 पे जाएंगे, 96, और इसके बाद जब हम म्यूजिक प्ले करेंगे, लेट मी शो यू, तो गाड़ी के स्पीकर से म्यूजिक ऑन हो रहा है। अब मैं इस डिवाइस में जो डैश कैम है उसके आपके वीडियो सैंपल्स दिखा देता हूं। पहले मैं दिखाऊंगा इसका डे फुटेज, हैव अ लुक। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा नाइट फुटेज, हैव अ लुक। Now let us have a look at the most important feature of this device and that is the ADAS. ADAS को एक्टिवेट करने के लिए ये जो राइट में दिख रहा है इसको हमें टैप करना पड़ेगा। Now the ADAS is activated and we'll go on the road and check how it actually performs. यहाँ पर देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है और किस तरीके से लेन कीप असिस्ट ने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया है, और देखिए जैसे ही बगल से गाड़ी जाएगी उसका वो डिस्टेंस चेक कर रहा है। अगर आपके सामने मल्टीपल कार्स हैं तो भी इसको ये चेक कर रहा है। ये देखिए ये ट्रक है और एक कार है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको ये रीड कर रहा है। एंड दैट कार इज गोइंग फार अवे, तो उसको ग्रीन कर दिया, और जो बस है दैट इज हार्डली विद इन 20 मीटर्स, तो ये येलो जा रहा है। और देखिए अभी हम बहुत पास आते हैं तो फिर ये 12 मीटर के अराउंड में ये रेड शो करने लग रहा है। तो गाइज मैं चल रहा हूँ इस समय अपनी लेन में और ये देखिए कि ये जो कार इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने लगाया है इसमें ये शो कर रहा है कि ये मेरे लेन को ट्रैक कर रहा है। और अभी मैं अपनी लेन से बाहर जाऊंगा, ये देखिए मैं जा रहा हूँ और ये देखिए इसने बोला लेन डिपार्चर। सो दिस इज एक्चुअली वर्किंग, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सामने जा रही गाड़ी का भी ये डिस्टेंस ट्रैक कर रहा है। हैव अ लुक। मैं अभी इस गाड़ी के पास जाता हूँ और आप ध्यान से देखते रहेगा कैमरे में, ये देखिए ये कुछ 20 मीटर्स लिखा हुआ था एंड इट वाज एक्चुअली ट्रैकिंग द फ्रंट कार। सो दिस इज एन एक्सीलेंट फीचर, आई वुड से वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वंस, और आज तक ऐसा फीचर तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। सो गाइज नाउ कम्स द फाइनल कंक्लूजन अबाउट दिस प्रोडक्ट। 9500 रुपीज में ये जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज अनमैच्ड। I would say कि इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं दे आर वर्किंग वेरी नाइसली एंड आई थिंक इफ यू डोंट वॉन्ट टू इंस्टॉल अ 2-in कार स्टीरियो सिस्टम इन योर ओल्ड कार देन दिस डिवाइस इज परफेक्ट फॉर यू एंड यू वुड नेवर फाइंड एनीथिंग बेटर देन दिस। सो गाइस वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।